जनजातीय क्षेत्र लाहौल की परिक्रमा करने के बाद 2 माह के बाद राजा घेपन और माता देवी बोटी अपने देवस्थान शाशेन पहुंचे। अपने देवालय पहुंचने पर राजा घेपन और देवी बोटी का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। शाशेन पहुंचते ही वहां महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ करछौल भी किया। परिक्रमा के दौरान दोनों देवों को जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। लाहौल क्षेत्र में राजा घेपन और देवी बोटी की परिक्रमा 3रे साल होती है। देवताओं की इस यात्रा का लाहौल के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है।